भवन तने संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहिति सुहृदय बसो स्वरभूप। कि सुनताउ हनुमंत लाल में और जा राम की होती गुणगान, और तो आप पहुंची बही और तोड़ी की सारी यानी। भाइयों, ये माधव कैसेट के द्वारा ये गगनदेव का किस्सा जो हमें बुजुर्गों से सुनने के लिए मिला वो आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। पंकज प्रजापति स्टूडियो की नई पेस्टकास्ट। तो कुछ शब्द हमें हमारे उपदेश भ्राता जी के लिए। उज्जैन नगर को भूप और धर्म को रूप सुनो मेरे भाई, और पद्म सिंह है नाम रे कह रहे हैं दादा बताई। अरे सुनियो कथा अगार, ए सुनियो कथा अगार, सुनो सरदार जन सिंह के घर में एक पुत्र हुआ है, और जिस पुत्र की शादी छोटे पे ही राजा ने कर दी, और जब छोटे पे ही शादी है गई वो लड़का थोड़ो सियानो भाव, तब बाके संग के लड़के ने बस जगई की तई तो शादी है गई तो मालूम ना। तो वो जब घरे आओ घरे आके मैंने अपनी मैया से पूछी का कही के हाथ जोड़ी बेटा कहे मेरी मैया। वह लड़का ने अपनी मैया से सवाल करता समझाए कि जकई सुनील का जय ससुरा रहा मऊ। बाकी मैया ने कही अगर तू ना मान तो ते मन में ऐसी बात है तो तू चलो जाइए सवेरे ऐसो भाव
घोड़ा तैयार करके वो लड़का अपनी ससुरार के ले चलो, और जब ससुरार को चलो है तो सारे दिन घोड़ा पे चलतु ही रहो चलतु रहो। लेकिन अरे घोड़ा की करी सवारी, जैसे ही अपनी ससुराल के नजदीक पहुंचो गांव में जैसे ही दसो तैसे ही कुआ पे कछु पनिहारी पानी भर रही, और सब लड़का जाए कि उन पनिहारी से बोलो का बोलो बा लड़का ने पनिहारी से कही अरे हाथ जोड़ी बेटा कहे अरे मेरी बहना ¡Gracias!
ऊंचे जो महल दिखाई देता है वे बेरखा के ही है। इतनी सुन के वो लड़का वहां से बढ़ो बहु चलो गो सो बेरखा के घर के परोस में एक सुनार को घर तू। हाँ वो संज्ञा जब हुई गई तो मैंने घोड़ा मतलब बाकी सुनार के द्वारे बंद हो अभी ससुरार नहीं गए वहीं पे सुनार गई या लेट गई और जैसी के चुरू की सूखी मिली तैसी बिन खाई और जैसे ही संज्ञा को टाइम भाव 10-11 बजे को मैं अंदा से टाइम हूँ तैसे ही जो बिना की पत्नी भी रखा आती ना बा को हितु अतो सुनार से हाँ इत्यादि रात को भक्त भयो सोई पिरखा नारी जब आई है राजा को लड़का बहतो बने अखिन से लखाई है राजा को लड़का जो बन ले तो आतो राजा के लड़का ने बिरखा को आतवो देख लो और जैसे ही देख लो तो सारी रात तो बाके सुनार के घरे रही और जब सवेरे को टाइम भाव लला सोई बन निकल के चली गई अपने महल की लय तके रहे। हाँ रात तो बिन्ने बिताई जैसे कि जब बीती हो सवेरो जैसे ही भाव तैसे ही वहीं पहुंचे कहा हाँ बिरखा के द्वारे जा मेरी ससुरारी और जैसे ही पहुंचे कि आवत देखो जाबा लाल को अरे मेरे भैया पहचान लो तो बिना के पलिका डारो बड़े आराम से बैठा रो दोनों ने तो सारो आएगा उस लिवाई के ऊपर चलूगा बड़े हिसाब से उनको बड़ो आदर बहु आदर है भी की बाद में और खूब खुशामद भाई और पूरे दिन रुके रहे और संज्ञा को जब टाइम बहो तब उनकी एक नजर भाई बिरखा के ऊपर पड़ गई। उनने मन में सोची जतो रात हमने सुना रखी जो देखी और जय जागरण
हमें जमालम पत्ते है के हाँ अब ध्यान होने उन्हें रहा है कि हमारी पत्नी है के मतलब जो कोई और है। अब धीरे धीरे उन्हें के जो सक भाई अब संजा को टाइम भाव रोटी रोटी खाए की बाद में जब लेट गए और 11-12 बजे को टाइम भाव और उन्हें परवे के बाद में भीतर ते पैसों का दे ली। हाँ भागो को महीना रहे सो बिना की जो पत्नी आती रात 12 बजे और अपने पति से मिल भी को भाई अटा पर पहुंचे। अब कहा भाव आए क्यों लला मन आवाज दियो कहा बोली अरे चनन कबरिया खोली हो यारे मेरे राजा भाई से बिलखा आवाज दे रही है चंदन की बरिया खोली हो यारे मेरे राजा कोई दुल्हन खाड़ी है द्वार खोलेंगे चाहे सलुआ भीज जाए चाहे तुम भीज जाए हमें तासा कोई लेनो देर ना सलुआ भीज जाए सवेरे जो कछु बात है जो सवेरे अबे ना हम खोले उनने ना खबरियां खोली जो बिन्ने थारो लाओ लला भाई पटके दा पटक वे के बाद में तरी चली गई बाकी मार बे ना रुकी और सवेरो जैसे ही भाव तैसे ही उनने जगाई के मैया हमारी विदा कर दो घोड़ा पे वा लड़की को बैठा रही क्यों दो ही कदम चले के उनने भाई सिनारा के घर ले जाए कद दई जे कह दई जब तुम आई रही जा हम आई नहीं रही ओ बई भाई छोड़ के वो लड़का जो आ तो अरे चल बे की लाग लगाई अपनी पत्नी को भाई सुनार के घर बहुत लिवाए के कदई और घोड़ा लेके पे घर को चलो अरे चल बे की लाग लगाई पहुंचो निज महलन में आई
का अपनी पत्नी को वहां छोड़ के चलो। एक दिना की बात, घोड़ा पे सवार है के आधी रात पे निकल के चलो, और निकल के चलो तो अपने राज्य में जी देख रहा हो तो को दुखी है को सुखी है। इधर आधी रात के समय पे और जो गगनदेव हती, जो दोनों पटवा की लड़की, बाके कपड़ा आधी रात पे धोवी धोन जाओ कब तो काय बुझा तो भाई इतनी सुंदर ही बग कोई अगर कपड़ा देख ले तो जो कहो जब कपड़ा इतने सुंदर है तो कपड़ा पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सुनील बात तो कुछ दूसरी। अरे आधी रात के बक्त कुमार जब, अरे आधी रात के समय कुमार जब और घूमन के लई आओ है, अरे आओ है और ताल पे धोबी पाओ है, बने ताल पे धोबी पाओ है। आधी रात पे जब निकल के आओ तो धोबी आधी रात पे कपड़ा धो रहा हो। देख के धोबी को वचन सुनाओ, आधी रात पे काय तू आओ, अरे ईश्वर ने दिन क्यों बनाओ, कोई है रात में चैन न आओ। बोलो राजा बोलने का धोबी से, भेजू हमें बतलाई दे इतनो, तू के लगे कपड़ा लाओ है लाओ है, हाय आली लाओ है। समझाएगी जगह हमें एक बात बताए दे कि आधी रात पे और तू कपड़ा धोन किन के आओ किन के कपड़ा आएंगे। सोई धोबी ने दो हाथ जोड़े जकई राजा साहब, बात एक जा बात की है के जे कपड़ा हम धोवे जो आए, अब तुमसे जे बात छुपाई ना जाए हम बताएं तो वो का बोलो धोबी जे कपड़ा किन के तो धोबी बोलो जे कपड़ा हम धोवत अरे मेरे राजा, बाकी कपड़ा धोला तो कई दिन में क्यों ना धो तो तुम धोबी बोलो, चंद्रमुखी जो नारी है अरे मेरे राजा। उमेश भैया तो इतनी सुंदर ही आती, चंद्रमुखी जो नारी है अरे मेरे दादा, बेन
बंदो हमारे कपड़ा रात में धो, जो मांगो सोई देंगे। कपड़ा सूर्य की रोशनी में ना बल्कि चंद्रमा की रोशनी में सूखता है। जो इतनी बात सुनी सोई बर राजा की लड़का के करंट सु लगो बाय ना कछु सोनो फिर मरे गो भाई चलो फिर तो माने जकई हमें जब बता दे दोनों पटवा की लड़की है जो गगनदेव तो अब हम बाय बिना देखे अब तो मोई चैन आएगो ही ना। अरे सुने बचना कुमारा गावड़ा हो सवेरो भाव जाए के वो राजा को लड़का रूठना महल में परे के सोई गो। अब राजा ने जब जाओ रो बारो देखो जगह हम आओ तो लड़का पता ही नहीं कहाँ गो। फिर काउ तरीका से पता लगी और जब पता लगी तो राजा ने पहले लड़का को बुलाया कि जगह लला बात का है बात हमें बता है? अगर कोई बात है तो हमें बता बात है का तो वो लड़का समझ आए कि बोलो कि दोना पटवा की कन्या है जो गगन देव नाम कहाया है और सुंदर यति रूपवती देखी मुझे धोबी ने बताया है। जकुंसी बड़ी बात है। अरे जो दोना पटवा की लड़की है तो बाके संग तू शादी करो चाहतो तो हम ती शादी करवाई दे। राजा ने तुरंत ही दोना पटवा को बुलवाओ और दोना पटवा से बुलाए के बड़े आदर से बैठा रो और बैठा रे के राजा ने हाथ जोड़ के बास कही जैसे ही दोना पटवा को राजा ने अपने पास में बैठा रो तो वो डर के माने और राजा के यहाँ गद्दी पे नहीं बैठ रहो क्योंकि गरीब आदमी और राजा पे गद्दी पे क्यों बैठा रहा है। तो राजा ने जब जबरदस्ती बैठा लो बैठा रहे थे राजा दोनों पटवा से बोलो अरे हाथ जोड़ी राजा का अरे मेरे भैया हाथ जोड़ी
समझ में ना आई रही, राजा साहब तुम हमसे कही कह रहे हो? तो राजा ने खुले शब्द में जे कही कि तुम्हारे घर में हमने सुना है कि एक बहुत सुंदर कन्या है, वो कि राजा बोला तेरे घर में एक देखी कही कि तुम्हारे घर में जो कन्या है बाकी शादी तुम हमारे लड़का के साथ में कर दो, और अगर तुमने अपनी लड़की की शादी हमारे बेटा के साथ में न करी तो तुम्हारी बेटी के बगैर हमारा लड़का जिंदा ना बचेगो, हमारा लड़का मर जाएगा। सोच ले, जो इतनी बात सुनी सो दोनों पटवा के होश उड़े गए। बाबा ऋषि लला सुनील दोनों पटवा ने एक बात कही, जे कही कि हम अपने घर जाएंगे, हम अपनी पत्नी से पूछ रहे, तो वो दोनों पटवा हाथ जोड़ के बोलो के हाथ जोड़ी पटावा Thank you.
पटवाने जे कही के हम पे रानी को पूछ ले। और जब रानी हमारी तैयार है जाएगी तो हम तुम्हारी लड़का के संग में शादी कर देंगे। इतनी बात कही के वो पटवा बांस से उठो अपने घर के लिए चलो। और जब घर के लिए चलो है और पत्नी ने आतो देखो पति को वैसे तो बड़े खुश नजर आता है। और बाद में राजा की कचहरी में जब उठ गए गए लला तो कहूं गुड़ डाल रहे कहूं गिर रहे अपने पे रत्त उन्हें सहली है रही बाबा रूसी। हाँ जो दोनों पटवा के जो घर ते आती बहु बड़ा दुखी रह के राजा ने बुला हुए पता ना क्या करे क्या न करे वो राजा भाई बात। तो मन में मन ही आई गयो जोड़ी के और पटवा की पत्नी पूछ लगी महाराज राजा ने काय को बुलवाओ का बात आती कैसी बात आई और कोई बात ऐसी तुमसे बन गई कोई भूल और हमें तो जाओ ना मालूम पड़ी तुम्हें काय के लिए बुलवाओ। इतनी बात है रही तो लो गगन देव अपने पिताजी के पास हमें आए और जैसे आई फिर भाव गालला सुनील जैसे ही वो लड़की आई तैसे पटवा ने अपनी पत्नी से कही कहा बताए रानी
जन नारी के बचन को तब पटवा कई समझाई कहा कई तो से नारी अब मुझसे कछु कही के हाथ पकड़ी पटावा कहे अरे मेरी Thank you.
जकाई पिताजी तुम घबरा मत, अगर शादी वाली बात है तो हम शादी करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं मां। जब लड़की की तनी बात सुनी सोई वह गगनदेव की माताई ने जगह है हमका जानता है, हम तो जानता है क्या जन कौन सी बात हुई, शादी की बात अगर राजा ने कही है तो तुम भाई शादी तो पक्की कर जाते। अरे शादी तो लड़की की तुम्हें करनी है, आज ना कल कर लेना है, परो परो ना दो साल बाद। और शादी है कि जाती तो दोनों पटवा की बजती, राजा के जब लड़की की शादी है जे तो वो तो रानी बजेगी। अरे भाई गैया को गोबर लेके तिलक खींचे आते हाँ, और मेरे के संग में भाई तुम्हारी जिंदगी अच्छी कट जाती है। जो इतनी बात सुनी अब तो पटवा की जो गाते न रहे बागो गलला सुनी ले धरती के पांव आए, अब तो बड़ा खुश है ना। तो गगनदेव बने अपने पिताजी से कही जग कही हो जाएगी के हाथ जोड़ी बेटी कहे अरे मेरे माइके में रहेंगे, अब माइके में चले आएंगे। और दूसरी शर्त और वो राजा के जाने ले मेरे बाबूल, बोली लड़की राजा के I'm not.
लड़की ने कही कि तुम जाए के और जे कही दियो कि हमारी लड़की शादी करे को तैयार है, लेकिन शर्तें दो हैं कि दिन में तो ससुराल में रहेंगे और शाम को हम अपने मायके में आए के रहेंगे और ऊपर चले के ना जाएंगे, अंदर से सुरंग खुदवाए दे अपने महलन से हमारे घर तक, जो अंदर सुरंग ही सुरंग जाएंगे और सुरंग ही सुरंग आएंगे। समझो? हाँ तो समझदार आओ तुम, इतनी जो बात कही सोई राजा वहां तो चलो। कितनी सुन करके चला वहां से और गौ भूप ढिंगयाई है, वो देखो है पटवा को और तैसे जे कई बताओ का खबर लेके आयो और शादी करवे को तैयार हो या ना हो, सोई राजा से माने दोनों हाथ जोड़े के कई का कई कि बोलो कल जोर की भूप सुनो, हम साची बात बताएंगे और तू शरते तेरी बेटी की वो शरते अपने भाएंगे। शर्तें वे शर्तें कहा है कि दिन में तो हमारी बिटिया रहेगी तुम्हारी घरे और शाम हो तखन वो हमारे घरे पहुंच जाएगी, और दूसरी शर्त ये है कि वो ऊपर से नहीं आएगी तुम्हारे महलों से और हमारे घर तक अंदर ही अंदर सुरंग बनवा। और जो इतनी बात सुनी राजा ने सोची जकून सी बड़ी बात है हमारे लिए, अबे तुरंत करवाए रहे तो राजा ने पहले ही तो नंबर लगवाए दो सुनील। हाँ सुरंग खुद वे पे और सुरंग जब खुद के तैयार भाओ, जब सुरंग खुद के तैयार भाओ अब तो शादी की तैयारी है गई, और जब तैयारी शादी की भाई और जब शादी की तैयारी भई तो मंडप लो गड़बाई, सुनो चितलाई न देर लगाई, पटवा की बिटिया संग में राजा ने करी सगाई।
से गगन देव की शादी जब राजा के लड़का के साथ में हुई। अब दूसरा भाग आप देखेंगे किस तरह से वो अपने घर रहती थी और किस तरह से ससुराल में रहती थी, ये वॉल्यूम नंबर 2 में आप देखेंगे। जैसे ही वो लड़की राजा को लड़का अपने संग लेके चलो तो मगे संग की सहेलियों भाई दुआ देने लगी। क्या बोली उमेश, पिता मेरी मैंने तू रहे सुतारी जाने। We'll be right back.